हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है मेरे दोपहर का करीब 11 बजे का, और मैं जा रही हूँ आज मार्केट। देखिए मैं चप्पल ले रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है आज सत्संग, और ये सत्संग हो रहा है पानीपत में, जो मेरी सुदीक्षा माता जी है उनका सत्संग, और वहाँ चलना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी अड्डा की चप्पल ले लूँ, ये मजबूत रहती है और टूटती नहीं है जल्दी, इसलिए मैं आई हूँ मार्केट में। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो मैं चप्पल ले रही हूँ, बताइए आप लोग कौन सी लूँ। और इसके बाद मैं थोड़ा सा तैयारी करूँगी आज पूरा दिन, और रात को निकलूँगी करीब 11 बजे निकलूँगी रात को। उसके बाद क्योंकि पूरा दिन आज लग जाएगा तैयारी में, बहुत सारी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है और खाना भी बनाना है ले जाने के लिए, तो ये सब मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए चप्पल मैंने ले ली है ये वाली, और कैसी लग रही है आप लोग बताना ज़रूर। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो भी चीज़ होती जाएगी, जो भी चीज़ मैं देखूंगी वो आपको भी दिखाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी चप्पल मैंने ख़रीदारी कर ली है, अब मैं आ गई हूँ मेडिकल पे क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है, बीमार पड़ गई थी पहले तो उसके लिए दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा दवाइयाँ लेते हैं तो थोड़ा स्वस्थ जल्दी हो जाते हैं, इसलिए दवाई ले कर जाऊँगी वहाँ पर। और ये मेडिकल पर मैंने ली है दवाई, उसके बाद मैं घर आके थोड़ी सी खाना वाना बनाऊंगी और नहाना, अभी नहाए भी नहीं है, उसके बाद नहाऊंगी, पहले यहाँ का मार्केट का जो भी काम है वो निपटा लूँ। तो चलिए देखती हूँ। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आज जा रही हूँ अपनी माता जी से मिलने। सुदीक्षा माता जी मेरी हैं और वो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, और सारी जो विश मांगती वो भी पूरी करती है। और मैं जा रही हूँ सत्संग क्योंकि ये हो रहा है समालखा पानीपत, वहाँ जाऊँगी और जो भी चीज़ होगी ना वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और चलिए फिर चलती हूँ, और अभी मैं मार्केट से आई हूँ थोड़ा सा सामान लेके, और ये चप्पल लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ये चप्पल लेके आई हूँ। और फिर चलिए चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, रात को निकलूँगी करीब 10 बजे, तो दिखाती हुई चलूँगी रास्ते में, जो भी चीज़ मिलेगी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं, ठीक है, ओके। और ये देखिए पैकिंग कर ली मैंने क्योंकि शाम के बज गए 6 और 10 बजे मेरी गाड़ी आ जाएगी, सिंधी कॉलोनी गेट पे खड़ी मिलेगी, तो ये पैकिंग कर रही है। ये नीटू और कहाँ पे खड़ी है बस? सिंधी कॉलोनी अंशुल, ये सब लोग मिलके पैकिंग कर रहे हैं, अंशुल के पापा, नीटू और अंशुल। तकिया निकाल दे, ये देखिए बिस्तर बंद भी नहीं रहा है क्योंकि दो लोगों का बिस्तर है, इसमें काफी ज्यादा एकदम लोड हो गया। ये देखो मेरी पैकिंग हो गई है, बैग लगा लिया, ये छोटा सा बैग, इसमें खाने पीने का सामान और ये बिस्तर बंद। ये देखिए पूरा बैग भरा हुआ है खाने से, और ये मेरे कपड़े क्योंकि 5 दिन के लिए जा रही हूँ तो इसलिए ये कपड़े। और मैं पहुँच गई हूँ, रात के बज गए हैं 8 क्योंकि उन्होंने जल्दी बुलाया था, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर सबका सामान चढ़ाने में उतारने में टाइम लगता है, तो इसलिए उन्होंने जल्दी बुला लिया 8 बजे करीब। और मैं पहुँच गई हूँ सिंधी कॉलोनी गेट, और मैं बैठी हूँ बस में। देखिए संत लोग कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ये दीदी ऊपर, ये वंदना, ये सारे लोग हमारे संत महात्मा लोग हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं क्योंकि हम सब इकट्ठे ही जाते हैं, बस जो होती है ना वो करके जाते हैं सारे लोग मिलके। ये सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे नए नए चेहरे, और मतलब ये हमारे जो सत्संग है ना, ये मानव से मानव को जोड़ना, क्योंकि
इंसान ही इंसानियत के लिए जीता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक सत्संग रूहानियत और इंसानियत के साथ रहने को बताया है, तो इसलिए हम लोग सारे साथ मिल के जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पहुंच गई हूँ, शायद रात हो गई है काफ़ी, रात के 12 बज गए हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कहाँ पे चल रही हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि ये अलीगढ़ क्रॉस कर लिया है और वहाँ पे एक होटल पड़ेगा। हमने कहा थोड़ी सी रोक लेना बस, क्योंकि सारे लोगों को कुछ लोगों को वॉशरूम जाना है, कुछ लोगों को खाना खाना है, तो इसलिए वो उन्होंने रोक लिया है। अलीगढ़ क्रॉस करते ही सवाना पड़ता है, उसमें यहाँ हम लोगों ने खाना खाया है, सब लोगों ने मिलके, ड्राइवर ने भी खाया है और ड्राइवर ने थोड़ी सी शायद पी रखी थी, पता नहीं क्या, तो वो अपने पीने के लिए, क्योंकि ड्राइवर लोग तो पीते ही हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते भी हैं और खाते पीते चलते हैं, तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा कुछ खाना पीना है और मैं यहाँ पे रुकी हूँ, देखिए खाना खा रही हूँ। सारे हमारे संत महात्मा वो भी खा रहे हैं, अपने अपने घरों से जो खाना लाए हैं वो सब लोग मिल के खाते हैं, सब लोग बैठते हैं साथ में मिल के खाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरी बस खड़ी हुई है यहाँ पे और कुछ लोग उतरे हैं, कुछ लोग नहीं, कोई खाना खा रहा है, तो कोई वॉशरूम गया है, तो कोई यहाँ पानी पीने गया है, कोई चाय पी रहा है, यहाँ पे सारे लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। और यहाँ से थोड़ी देर, करीब आधा घंटा रुकेगी बस, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि आधे घंटे के लिए यहाँ रुकती है, थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है रास्ते में, क्योंकि ड्राइवर को भी ज़्यादा थोड़ा समय उसको भी चाहिए। ये ड्राइवर लोग बैठे हैं खा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर चलाएंगे तो फिर उन्हें भी नींद आने लगती है, तो कह रहे थोड़ा चाय वाय भी पी लूँ और कुछ खा पी लूँ, तो उसके बाद चलते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सारा रात का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, साथ सब लोगों के साथ रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और अब पहुँचने वाली हूँ, मैं पहुँच गई हूँ, ये रहा मेरा सत्संग, यहाँ से शुरू होता है, ये रहा, ये पड़ता है पानीपत, ये पड़ता के बीच में, और सुबह के बज गए 8 और मैं अब पहुंचने वाली हूँ। उसके बाद मैं आगे का वीडियो दिखाऊंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और मैं पहुंच गई हूँ अब, बिल्कुल पंडाल में पहुंचने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।